तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आप सबके लिए मैं फिर से आज एक वीडियो लेकर आया हूँ और वीडियो का थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस तरह का वीडियो आज बना के सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। तो गाइस, ये वीडियो आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। तो आप लोग का स्टेटस वीडियो ऐसा बनाना चाहते हो तो वीडियो को फुल वॉच करें और बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो गाइस, हम सिंपली आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो हम चलते हैं अपने ऐप्स में। ऐप्स का नाम है गाइस VN। तो आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो या क्रोम से भी कर सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली हम चलते हैं अपने ऐप्स में, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उसके बाद ये जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे और देन हम लोग को जाना है यहाँ फोटो पर। यहाँ देख सकते हैं गाइस, आप लोग वीडियो का ऑप्शन है और फोटो का ऑप्शन है। हम लोग जाएंगे सिंपली से फोटो में और फोटो में से यहाँ हम लोगों को कुछ फोटो सिलेक्ट कर लेना, तो मैं कर लेता हूँ। गाइस, आप लोग जितना करना चाहते हो उतना कर सकते हो। तो ये हो चुका है गाइस। इसके बाद हम इस एरो वाले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस, ये जो आपका टाइम रेशियो है उसको मिला लेना है पहले ठीक तरीके से। तो गाइस, मैं इसको कर देता हूँ 1.79 और इसको 1.89 और देन इसको 1.74। देन इसको भी उसी तरह से कर लेना है गाइस। गाइस, अपने अरे पूरा सा फोटो का टाइमलाइन जो है उसका अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। इसको भी कर देते हैं एंड इसको भी। तो गाइस, ये सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, तो इस ऐप में जो ये वाटर मार्क है ये आप लोग यहाँ से डिलीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम डिलीट कर दिए। उसके बाद फिर आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ कितना सिंपल सा वीडियो है। ठीक है गाइस, तो गाइस देख सकते हो आप लोग कितना सिंपल वीडियो है। तो सिंपली हम इसको यहाँ पर बीच में लाएंगे, उसके बाद इस पर टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और देन क्लिक करने के बाद ये जो स्प्रिंट आउट का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करिएगा और देन क्लिक करने के बाद उसे इसे अच्छी तरीके से पहले इसको मिलाकर अप्लाई कर दीजिएगा। फिर इसमें भी वही करना है हम लोगों को, अच्छे तरीके से बीच में ला देते हैं। उसके बाद इफेक्ट पर क्लिक कर दें, उसके बाद यहाँ जो इसी को अप्लाई कर देते हैं फिर से। उसके बाद यहाँ पर भी वही इसी तरीके से मिला लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं। देन इसको भी वही करना है। इफेक्ट एंड स्प्रिंट आउट, देन इसको भी यहाँ पर मिला के रख देता हूँ। एंड गाइस, इसमें भी वैसे ही करना है हम लोगों को। सिंपली इस पर चलते हैं और जाने के बाद इस पर थोड़ा सा अप्लाई, इसमें भी, देन इसमें भी। तो गाइस, इसी तरह अपना फोटो का टाइमलाइन है इसमें अच्छी तरह से मिलाकर सेट कर देना है आप लोगों को और अप्लाई कर देना है। लास्ट वाला उस पर भी कर देते हैं। देन ये हो चुका है। तो मैं आप लोगों को एक बार प्ले करके दिखा दे, सॉरी गाइस, पहले हम इसमें भी अप्लाई कर देते हैं। जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करिएगा सिंपली और ये जो ब्लैक है उसको अप्लाई कर देगा यहाँ से।
फिर इसमें भी वही करना है, ब्लैक अप्लाई, ब्लैक अप्लाई, ब्लैक अप्लाई, ब्लैक अप्लाई एंड सारे में कर देना, सब में इसी तरीके से। एंड इसमें भी कर देता हूँ एंड लास्ट वाला मैंने ही करना है, लोगों नहीं फर्स्ट में ये इस पर भी करना है, मैं इस पर करना है, ठीक है गाइस। उसके बाद मैं आप लोगों को प्ले करके एक बार दिखा देता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से है। तो गाइस यहाँ ओरिजिनल पर क्लिक करिएगा इस पर, तो यहाँ से आप रेस्पेक्ट रेशियो चूज कर लीजिएगा। तो मैं 9:16 कर लेता हूँ, 9:16 देन इसको अप्लाई करेंगे तो ये फुल स्क्रीन आप लोगों का वीडियो बन जाएगा। उसके बाद सिंपली ये जो फोटो का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद ये जो वीडियो फोटो का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करिएगा। देन यहाँ से मैं कुछ इस तरह का लाइटिंग वीडियो डाउनलोड करके रखा हो तो ये अप्लाई कर देता हूँ, आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा इसका लिंक, आप लोग वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद गाइस इसको आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से अपने वीडियो को ऊपर सेट कर लेना है, पूरी अच्छी तरीके से सेट कर लेना है इस तरह से। तो ये हो चुका है, तो हम इसको स्क्रॉल करते हुए इधर आ जाएंगे और जो ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा है जो ब्लेंडिंग उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को खोज लेना है स्क्रीन, तो ये रहा स्क्रीन। उसके बाद इसको अप्लाई कर देते हैं और देन मैं आप लोगों को और देन यहाँ से ये हो चुका है। उसके बाद आप लोगों को सॉन्ग सेट करना है, तो मैं सॉन्ग सेट कर लेता हूँ। तो ये जो म्यूजिक का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से म्यूजिक पर चले जाएंगे। देन यहाँ से कोई म्यूजिक आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देन मैं ये कर लेता हूँ। उसके बाद अप्लाई कर देंगे इसको भी, तो गाइस मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ एक बार कैसा बन चुका है अपना वीडियो। कुछ इस तरीके का बन चुका है हमारा वीडियो, तो देन ये हो चुका है। तो इसको हम अब हमको सेव करना है, तो सेव करने के लिए जो एक्सपोर्ट का दिख रहा है उस पर क्लिक करिएगा, क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ जो टिक का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करिएगा, तो देन ये हो रहा है एक्सपोर्ट। तो थोड़ा सा हम गाइस वेट कर लेते हैं, तो गाइस ये हो गया एक्सपोर्ट। उसके बाद ये जो सेव टू एल्बम दिख रहा है उस पर क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद हो जाएगा गाइस गैलरी में सेव। तो गाइस कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय।